नमस्कार दोस्तों, स्टेट विद अंसरा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम की 13 सितंबर के जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है उसका विश्लेषण करेंगे, तो उस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए न्यू वीडियो के लिए। चलो शुरू करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए इसमें प्रजेंट हुई 40 से 50% स्टूडेंट प्रजेंट हो रहे हैं और उसके अंदर पेपर लेवल वही रहा है जिसमें साइंस का वेटेज भी रखा गया है और इसमें न्यूमेरिकल भी है थोड़े बहुत। ऐसे इजी है पहले से बजाए ये पेपर थोड़ा, तो इस पेपर के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड के बर्मिंगम में हुआ था। 28 जुलाई से 8 अगस्त तक चला था इसमें और इसमें 200 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया था। 16 प्रकार के खेलों में भाग लिया था भारत की तरफ से। इसमें 530 पदक के लगभग जीता था भारतीयों ने। और अगला खेल 2026 का, ये 2026 का कहाँ होगा याद रखना, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में होने वाला 2026 का, अगर पूछ ले तो आप याद रखना। राष्ट्रमंडल क्वेश्चन नंबर दो, राष्ट्रमंडल खेल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान किसे बनाया गया? तो हरमनप्रीत कौर जी है। हरमनप्रीत कौर जी योगा पंजाब की है। 8 मार्च 1989 इसका जन्म योगा पंजाब में हुआ था। 2009 में 20 वर्ष की आयु में इन्होंने खेल स्टार्ट कर दिया था। पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने खेला था पहला मैच, ये ध्यान रखना इनका। क्वेश्चन नंबर तीन, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में 1080 सूक्त है। इसके अंदर आपको पता होना चाहिए इसमें 10 मंडल है और इसके अंदर 1028 सूक्त है और टोटल इसके अंदर 10462 मंत्र है इसके अंदर, ध्यान रखना। ये तो इसमें कोई सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, दुर्बलमल और प्रबल सार को मिलाने से पीएच का क्या होगा? तो इसमें अगर पीएच दुर्बल सार ज़्यादा होगा तो उसके हिसाब से पीएच उसके हिसाब से होगा। अम्ल अगर ज़्यादा होगा तो अम्ल कम होगा सास से और सार ज़्यादा होगा तो ज़्यादा होगा सास से। तो इसमें अगर दुर्बल अम्ल है तो पीएच सास से ज़्यादा हो जाएगा इसमें, क्योंकि प्रबल सार है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर पाँच, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कार्बेट है। जिम कार्बेट को आपको पता होना चाहिए, दूसरे नाम से जानते हैं हैली नेशनल पार्क, जिसका 1936 में इसका स्थापना हुआ था। 1936 में तो ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये कहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए, ये उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर छः, पंचवर्षीय योजना कब से शुरू की थी? 1951 से 1956 तक चली थी। क्वेश्चन नंबर सात, 73वां और 74वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? 73वां और 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992। ठीक, क्यों किया गया था आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके अंदर पंचायती राज के जो उनको जोड़ने के लिए 1952 में संशोधन किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आठ, बनास नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये राजस्थान में बहने वाली नदी है। बनास नदी चंबल की सहायक नदी है, राजस्थान में 480 किलोमीटर बहती है। इसे वन की आशा के नाम से भी जानते हैं बनास को। और ये रामेश्वर में सवाई माधोपुर के पास जाकर मिलती है और कुंभलगढ़ के भैरव मठ से निकलती है। इसके ऊपर बिसलपुर नाम का बांध भी बना हुआ है, जिससे जयपुर जो और अजमेर इन में पानी की सप्लाई होती है। तो इसके बारे में आपको पता होगा बनास के बारे में, तो ये चंबल की सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमा कृष्ण की सहायक नदी किस राज्य से होकर गुजरती है? तो महाराष्ट्र और कर्नाटक से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10, 2011 के जनगणना अनुसार हिंदी भाषा कितने परसेंट लोग बोलते हैं? 43.63%। क्वेश्चन नंबर 11, अज्ञात का ऑक्साइड या नेचर कैसा होगा? तो अम्लीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो हेनरी है। प्रेरित क्यों हुए थे? क्योंकि इनमें स्वतंत्रता के लिए और किसानों के लिए अत्याचार उनको मिटाने के लिए उन्होंने अभियान चलाया था और ये छोटी सी उम्र में इन्होंने ये अभियान स्टार्ट कर दिया था। 20 वर्ष की उम्र में तो इनकी डेथ हो गई थी। एक टीचर भी थे कहाँ पे, जो वहाँ पे हिंदू विश्वविद्यालय ना 1826-31 तक इन्होंने पढ़ाए थे, वहाँ पे अध्यापक रहे थे हिंदू कॉलेज में। इन्होंने एक पत्रिका भी जारी की थी इंडिया पत्रिका के नाम से, ईस्ट इंडिया का पत्रिका के नाम से।
क्वेश्चन नंबर 13, मैग्नेट फील्ड की दिशा करंट की दिशा था, फोर्स की दिशा में क्या? कुछ क्वेश्चन पूछा गया था ऐसे, इस प्रकार का क्वेश्चन था कुछ। मैग्नेट फील्ड की दिशा और करंट की दिशा थी, उसमें फोर्स की दिशा पूछी गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14, अवतल दर्पण में अगर वस्तु 20 सेमी पर है और फोकस लेंथ 10 सेमी, अगर वस्तु की ऊंचाई 8 सेमी है तो उसमें इमेज कैसा बनेगा? तो कुछ क्वेश्चन था इसका दर्पण का, तो इसको सॉल्व करके आप इसका सॉल्व कर सकते हैं इसको सूत्र के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, अगर किसी अवतल दर्पण में वस्तु 50 सेमी है तो फोकस 40 सेमी है तो इमेज कहाँ बनेगी? तो इसकी इमेज के बारे में पूछ रखा था। क्वेश्चन नंबर 16, कोई किरण अगर त्रिभुजाकार पिरामिड पर अभिलंब पर आकर मिलती है तो उस कोण में क्या कहते हैं? तो इसका अपवर्तन और अपवर्तन कौन सा कोण बनेगा, आप इसके कमेंट्स करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 17, 4 ओम, 8 ओम और 6 ओम तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उनका 9 वोल्ट की बैटरी से साथ कनेक्ट करते हैं तो करंट कितना होगा? तो इसको निकालते हैं, 1/4, 1/n, 1/ इसका इसको ले लेंगे, मैं फिर इसको निकालेंगे, इसको काटेंगे, 6 6 24 से टोटल 13/24 हो जाएगा इसका। आई बराबर V/R है तो इसको सूत्र में रख देंगे, वी बराबर इन्होंने दे ही रखा है 9, आर बराबर हमने निकाल ही लिया 24, इसका सूत्र के हिसाब से काटेंगे तो 39/8, इसको काटने के बाद आंसर आ जाएगा इस प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, इसमें शक्ति का फॉर्मूला कौन सा है? तो ये 2 बार रिपीट भी हो चुका है, पहले आपको पता होना चाहिए। तो इसमें शक्ति का फॉर्मूला कौन सा है आपको पता होना चाहिए इसमें, तो P/V/I, इसमें नी गलत पूछ रखा, ध्यान रखना ये पढ़ने में गलती हो जाती क्वेश्चन की। इसमें फॉर्मूले थे तीनों हैं लेकिन ये गलत है, तो इस प्रकार अपने क्वेश्चन को ढंग से पढ़े, क्वेश्चन पढ़ने से कई बार कई क्वेश्चन में क्या पूछ रहा और क्या उत्तर दे देते हैं हम। जैसे 2 प्रतिरोध दे रखे हैं समांतर क्रम में जुड़े हैं, समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा इसका, ऐसे क्वेश्चन था कुछ। तो प्रतिरोध से कम होगा ये बड़े और छोटे के बीच होगा, बड़े के बराबर होगा तो छोटे प्रतिरोध से कम होगा। ये केमिकल रिएक्शन दे रखा था उसको बैलेंस करना था, एक क्वेश्चन था। मेंडलीव और सारणी में बोरोन एल्युमिनियम सिलिकॉन की खोज के बाद कौन सा एलिमेंट हुआ था, तो कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुखमरी सूचकांक में कौन सा देश 101वें स्थान पर रहा है? तो भुखमरी सूचकांक में आपको पता होना चाहिए भारत का नंबर आ गया 101, 2020 में 94वें नंबर पे था ये, इसमें अब इस बार भारत बांग्लादेश पाकिस्तान और नेपाल से भी पीछे हो गया है, आपको पता होना चाहिए। इस बार भारत 116 देश भुखमरी की लिस्ट में 116, उसमें से भारत का नंबर है 101 नंबर पे, तब देख सकते हो अपना भारत की स्थिति। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में कितने बच्चों को सम्मानित किया गया था? इसमें टोटल 29 बच्चों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 में किसको दिया गया था? तो ऑप्शन के हिसाब से होना था क्योंकि इसके अंदर ऑप्शन पता नहीं है ना कौन से किसको दिया था, इसमें 4-5 दे रखे होंगे। क्वेश्चन नंबर 25, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इस आर्टिकल 32 के अंदर है, ये पहले भी पूछ रखा आपको पता चाहिए। जल अमृत क्या है? तो पृथ्वी के सतह के नीचे चट्टानों के नीचे पानी का एकत्रित होना ही ये जल अमृत होता है। क्वेश्चन नंबर 27, अगर लेड नाइट्राइड को गर्म करने पर क्या होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 28, अगर फोर्थ लेवल की एनर्जी को 1 जूल तो प्राथमिक लेवल की एनर्जी कितनी होगी? जैसे ए से बी में जाता है तो 10% पार्ट जाता है, फिर बी से इसका 10% जाता है, तो इसको ये पूछ रहेगा फोर्थ से फर्स्ट में जाने के लिए। तो ये फर्स्ट जैसे देख सकते हो 1, 2, 3, 4, तो इसका 10%, इसका 10%, इसका 10, तो इस पर 10% आओगे तो 10, फिर 100, फिर इसका हो जाएगा 1000, यानी ये 10% 100 हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा, 10000 हो जाएगा, तो इसका 10000 आंसर आएंगे, 10000 जूल। केरल के कोई त्यौहार था उसका डाल पूछ रखा था, डांस पूछ रखा था इसका कुछ।
उसका कोई डांस पूछा था केरल के त्यौहार देखे। पौधे में अपशिष्ट पदार्थ कहाँ से निकलता है? तो पत्ते के वाष्प प्रसन से निकलता है, जल वाष्प प्रसन से। और पित्तरस भोजन की प्रकृति और किसके पाचन से मदद करता है? तो पित्तरस के बारे में क्वेश्चन पूछ रखा था। भारत सरकार कितने तरह के बजट पेश करता है? तो भारत सरकार 3 प्रकार के बजट पेश करता है। एक तो होता है संतुलन बजट, और दूसरा कौन सा होता है सरप्लस बजट, और तीसरा होता है घाटा बजट। जैसे घाटा बजट बोलते हैं ना, तो भारत सरकार 3 प्रकार के बजट पेश करती है। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लें न्यू वीडियो के लिए, और दोस्तों के साथ शेयर करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद दोस्तों।